एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है तो ये ठंडे ठंडे मुंह में घुल जाने वाले दही वड़े खाने से कौन इनकार करेगा। तो आज मैं यहाँ दही वड़े रुई जैसे सॉफ्ट कैसे बनाए उसकी इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टिप्स रह न जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना। मैंने यहाँ पर एक कप उड़द दाल को 5-6 घंटों के लिए भिगो के रखा था। उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे और पानी निकाल देंगे। अब इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बैटर को गाढ़ा ही रखना है। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इतनी थिक रखनी है, ये देखिए। इसे गिराएंगे तो ऐसे आसानी से नहीं गिरेगा और बैटर हमें इतना स्मूथ रखना है। अब इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि हम अच्छे से फेंट सकें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इम्पोर्टेंट टिप यही है कि आपको एक ही बार में सारा पानी ऐड नहीं करना है। दाल को पीसते समय बीच बीच में उसे खोल के चला लेना है और ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करते जाना है। कंसिस्टेंसी आपको इसी प्रकार की मेंटेन करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हाथ में ऐसे पानी लगा के इसे एक ही डिरेक्शन में इस तरफ या इस तरफ फेंटना है और बैटर को एकदम फ्लफी एरी बनाना है। 7-8 मिनट फेंटेंगे तभी ये हमारा बैटर फ्लफी बनेगा और उसमें एयर भर जाएगी। आप बीच बीच में हाथों को रेस्ट दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, सेकेंड इम्पोर्टेंट टिप यही है कि एक ही डिरेक्शन में 7-8 मिनट फेंटना है। तो अब आप देख सकते हो कि बैटर कितना फ्लफी और एयरी हो गया है। हाथ को ऐसे उल्टा करते हैं तो वो गिरता नहीं है, एकदम व्हिप क्रीम की तरह। यही उसकी निशानी है कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून चिली पेस्ट और 1/2 टीस्पून अदरक की पेस्ट ऐड करके मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट कम ही डाला है क्योंकि आगे भी जब पानी में वड़ा डीप करेंगे तो उसमें भी ऐड करेंगे। अब आती है थर्ड इम्पोर्टेंट टिप, ऑयल का टेम्परेचर। थोड़ा सा बैटर गर्म तेल में डालेंगे और साइड में ऐसे धीरे धीरे बबल्स आने लगे, तुरंत ही ऊपर ना आ जाए तो ये टेम्परेचर परफेक्ट है। तो फ्लेम को मीडियम ही रख के पहला बैच हम फ्राई करेंगे। वड़े को तेल में कैसे छोड़ना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। बैटर को उंगलियों से ऐसे लेके पीछे से ऐसे इकट्ठा करके डायरेक्ट तेल में छोड़ देना है, इस तरह से। स्टार्टिंग में हमें इसे चलाना नहीं है, ये अपने आप ही पलट जाएंगे। और जब सारे बड़े पलट जाए तभी इसे जेंटली चलाना है। बड़ों को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लाइट गोल्डन कलर ही रखना है। तो ये बड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए, बने हैं ना एकदम बढ़िया। देखने से ही लगता है कि कितने सॉफ्ट है। इसी तरह से हमें सारे बैचेस फ्राई कर लेने हैं। इतना हो जाने के बाद एक पतीले में थोड़ा गुनगुना पानी लेके उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। मिक्स करके सारे वड़े इसमें ऐड कर देंगे और 1/2 से 1.5 घंटे के लिए ढक के रखेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 1/2 से 1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि वड़े हमारे अच्छे से फूल गए हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं। सारे वड़े में से पानी निचोड़ के एक प्लेट में रख देंगे। निचोड़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे गोल गोल करके ही पानी निचोड़ना है, दोनों हथेलियों से प्रेस नहीं करना है। तो अभी हमारे वड़े बिल्कुल रेडी है, इसे साइड में रखते हैं और चटनी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने रखा है और उसमें 1/4 कप सीडलेस खजूर, 1/2 कप इमली और 1 कप गुड़ ऐड करके उबाल लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ढक्कन ढक देंगे और 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। तब तक हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। मिक्सर जार में मैंने भिगोई हुई मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक, पुदीना और ढेर सारा हरा धनिया, वो भी डंठल के साथ ऐड कर दिया है। अब इसमें 1 नींबू का रस, 2 टेबलस्पून शुगर और 1 टीस्पून काला नमक ऐड करके लास्ट में आइस वाटर ऐड किया है।
ताकि चटनी का कलर ग्रीन ही रहे। जरूरत लगे तो थोड़ा पानी ऐड करके सारी चीजों को क्रश करके चटनी रेडी कर ली है। इसे साइड में रख के चलते हैं हमारी मीठी चटनी की ओर। ये मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून भुने जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करके मिक्सर या फिर ब्लेंडर से क्रश कर लेंगे। छलनी से छान लेंगे और इसे भी साइड में रख देंगे। तो अभी हमारी मीठी चटनी भी रेडी है। चलते हैं हम दही की ओर। 500 ग्राम फ्रेश ठंडा दही लिया है, उसमें स्वाद के अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करके पीस कर लिया है। अब हम दही वड़ा के लिए मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए एक बाउल में मैंने 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून भुने जीरे का पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर लेके अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब सारी चीजें रेडी है। दही वड़ा की प्लेट रेडी करके सर्व कर देंगे। एक प्लेट में 5 से 6 वड़े अरेंज करेंगे और उस पे ठंडा ठंडा दही पोर करेंगे। उसके बाद ग्रीन चटनी और मीठी चटनी पोर करके मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अनारदाना और फ्रेश धनिये से गार्निश करके अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। एक बार जरूर ट्राई करना। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।